नमस्कार, मैं किशोर कुमार। ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर वाटी तहसील की ग्राम पंचायत पचलंगी से हम आपको एक कवरेज दिखा रहे हैं। छप्पर में आग लगने से चेजा मिस्त्री का काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई और पट्टी के नीचे बैठक मुद्रा में शव मिला, जिसको लेकर परिजन हत्या का संदेश जता रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पचलंगी गाँव में एक परचून की दुकान चलाने वाले व्यक्ति जो आसपास में उन्होंने छप्पर की व्यवस्था करके वहां प्याज वगैरह भी स्टॉक कर रखे थे। वहीं पर एक चेजा का मिस्त्री जो वहां टंकी का निर्माण कर रहा था और टंकी के निर्माण करते वक्त मंगलवार सायं 6 बजे के लगभग वहां पे आग लगती है और आग लगने के बाद वहां स्थिति भयावह हो जाती है। उसके बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हमारा भाई, जहाँ हमारे भाई की डेड बॉडी मिली है वहाँ से 30 फीट दूरी पर वो टंकी का निर्माण कर रहा था। यहाँ इस स्थिति में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ इनके भाई थे, वो यहाँ पे शिफ्ट थे और यहाँ उनकी जलकर मौत हो गई। परंतु जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि इनके भाई हैं, वो टंकी का निर्माण कर रहे थे, टंकी के निर्माण से लेकर जहाँ इनके भाई का शव मिला है वहाँ 30 फीट की दूरी, जिस प्रकार से परिजन बता रहे हैं। और आग लगने से वहाँ पर प्याज का जो स्टॉक था वो भी जलकर राख हो गया और मौके पे ही चेजा मिस्त्री का काम करने वाले पप्पूराम सैनी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस इस मामले में पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच के आधार पर मानना है कि पप्पूराम की आग में जलने से मौत हुई है। घटना पचलंगी में सिंबुदयाल सैनी की दुकान में हुई है। डाहनी फिरास वाले निवासी पप्पू सैनी 42 साल थी। उनकी पुत्र दौलतराम यहाँ कुछ दिन से होद निर्माण का कार्य कर रहा था। मंगलवार शाम हादसे में आग लगने के कारण अभी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है कि आग को आसपास के लोगों ने करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद बुझाया। आग बुझने के बाद पप्पू सैनी का शव भी दुकान में ही मिला। लोगों ने पचलंगी चौकी में सूचना दी। चौकी प्रभारी संत कुमार काजला मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना देने पर उदयपुर वाटी SDM वगैरह आला अधिकारी वहां पे पहुंच गए। परिजन एक और परिजन है जो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजन बोल रहे हैं कि बागोली निवासी ख्याली राम ने बताया कि मौके पर हालात देखकर बहनोई पप्पूराम की मौत सामान्य हादसा नहीं लगती। वे जिस होद का निर्माण कर रहे थे वह घटना स्थल से 30 फीट की दूरी पर था। उनका जला हुआ शव भी दुकान में लगी एक पट्टी के नीचे बैठने की मुद्रा में मिला है। यह भी एक बड़ा सवाल है जिनको लेकर पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए पप्पूराम सैनी के भाइयों ने क्या कुछ कहा। और देर साय DSP सतपाल मलिक ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों ने मर्ग दर्ज कराई है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। परिजनों ने क्या कुछ कहा, अब सुनिएगा, देखते रहिएगा। पहले उधर काम कर रहा था, काम करने के बाद में वो ये तो मालूम नहीं आग कैसे लगी। फिर इसको मैं पूछा मेरा भैया कहाँ है, बोले कि पहले तो हमारे 13 भाई, हम और मेरे दोनों बेटे और एक मेरे घरवाली और एक मेरा भाई, जो यहाँ पर आग बुझा रही है हम। मैं बोला मेरा भाई आग किसी से लगी थी वो तो उसको मालूम है, पेट्रोल डीजल यहाँ पर है, पेट्रोल डीजल के बेचता ही है और दुकान भी सीज है उसकी। अच्छा। फिर भी पेट्रोल डीजल बेचता है यहाँ पर। फिर मेरे को बोले यहाँ तेरा भाई के पास मटका फूट गया और उधर पैदल भाग गया वो। नहीं, आपका भाई यहाँ रहता था क्या? काम कर रहा था उधर, जो दुकानदार उनके उनके पास काम करते थे। हाँ। अच्छा। फिर उसको पूछा जाए, भी बोला मेरे को, बोले ठीक है तेरा भाई उधर भाग गया तो पैदल जाके भाग गए उधर। यार मेरे को हमारे को भगा दिया, बोले सब करके ढूंढो। फिर मेरे भैया को बोले मैं तू यहाँ रहे, मेरे को शक था। फिर मेरा भांजा था उधर जाके देखा तो यार मेरे घूम के देखे उधर जाने के लगे तो उसको हाथ पकड़ लिया से, बोले ओ बन सिमू ने सिमू हाथ पकड़ा। उसको हाथ पकड़ने के बाद वो बोले क्यों क्या चीज़ है, बोले मेरा मामा को जला दिया तुम। फिर वो यहाँ से भाग के थुकी दे दिया, पूरा परिवार भाग गया यहाँ से, पेट्रोल का डीजल का ड्रम लेके उधर घर पर लेके गया या क्या मालूम दबा दिया उसको। और उसका तो BDA है मेरे पास तो साहब, और मार के उधर कोने में जला दाब दिया साहब, इधर 50-60 फुट के अंदर उधर जाके जलेगा क्या बाहर आके भी वो। मेरे को इंसान चाहिए साहब मेरे को। कब की घटना? कल शाम की घटना, कल शाम के 6 बजे के। 6 बजे आपको कब पता चला? 6 बजे आया जब मेरे को जल रहा था यहाँ पर शाम को। हाँ, 40 साल। और यहाँ पे क्या मजदूरी करते थे क्या उनके पास? हाँ, मजदूरी चेजा का काम। अच्छा, इनके पास चेजा का काम नहीं, इनके पास क्या करते थे यहाँ के? मिस्त्री का काम कर रहे हैं। मिस्त्री का काम। हाँ। अच्छा, यहाँ तेल की दुकान है क्या? हाँ, तेल की, पेट्रोल डीजल दोनों है। आपको क्या लगता है किन पे से काम? दुकान वाले पर। हाँ, शाम को 6 बजे। भाई थे क्या वो? हाँ भाई, मैं ऐसे बताया इनके भाई यहाँ क्या कर रहे थे वो?
वो जिस टाइम ही घटना हुई वो कि यहाँ क्या कर रहे थे? वो लिपाई कर रहा था, चिनाई का काम यहाँ चेजा का। हाँ अच्छा। अभी मौजूद है साहब, शाम को यहाँ वो चेजा का काम कर रहे थे। हाँ वो पानी वाली वो टंकी बना रहा था नीचे वाली। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद मैं उधर से खेत में था, खेत में जैसा इसे ऊपर वाल लुक सी दिखी काली काली धुआं से, मैं पूछा मैं किसी को मैं लाए लगी मुख, फिर यह बचा यह बाकी आया, यह कुछ नहीं जाके खेपा, मैं उधर से बाकी आया उल्टा बाकी आया ना, मैं उसको आके पूछा मैं भाई साहब मेरा भाई कहाँ, कहते मेरा का पूरा सामान जल जाओ, कहते मेरे का सामान की चिंता नहीं है, कहीं मेरी कहते गऊ कहते दोनों कहते खोल के घेर दी, कहते मैं मेरे को मेरा भैया बताया तेरा भैया कहते अंदर होएगा, कहते मेरे को मालूम नहीं, कहते मेरे को ऐसा बोला पास है उसको, मैं बोला वो उधर ही रेती पड़ी है, वो मेरे को मैं कोई गमला कोई फावड़ा कोई परात दे दो मुझको, कहता हमारे पास कहता कोई परात पुरुत नहीं है, कहते यहाँ मेरे भाई को बेड़ा करके और यहाँ दबा दिया इसमें, और यहाँ मेरे को आने नहीं दिया है उधर, वो लोग सब मर्डर कराया उसका, मर्डर करा। हाँ सर आपको भी मालूम होगा उधर से आके यहाँ पर चले गए, मेरे को बता दो सर आप भी, हमारे को इंसाफ चाहिए सर।